जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं और आपका ज्ञान वर्धन करने के लिए आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपनी रत्नों की अंगूठियों को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कर सकते हैं, उसका क्या विधि विधान है, ताकि अगर आप में से कोई व्यक्ति चाहे तो वह स्वयं अपनी रत्नों की अंगूठियों को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कर अगर वह उनको धारण करेगा तो निश्चित रूप से उसकी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य की निरंतर वर्षा होती रहेगी, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। आपको यह रोचक जानकारी लगातार प्राप्त होती रहे तो आप इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। ऐसा करने से आपको हमारी हर नई वीडियो के बारे में आवश्यक जानकारी स्वतः ही उपलब्ध होती रहेगी और आप किसी भी ज्ञानवर्धक जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आज हम चर्चा करेंगे, अगर आप चंद्रदेव की पीड़ा से परेशान हैं और उनके लिए मोती की अंगूठी को कैसे मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित या जागृत करें। मैं आपको इस चर्चा से पहले यह अवश्य बताना चाहूंगा कि आप अगर कोई इस अंगूठी बिना मंत्र सिद्ध किए, बिना प्राण प्रतिष्ठित और बिना जागृत किए धारण करते हैं तो उससे लगभग आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या किसी ज्ञानी विद्वान पंडित के पास जाते हैं और वो उन्हें कोई मुद्रिका बता देता है कि आप पन्ने की अंगूठी धारण कर दीजिए या रूबी की अंगूठी धारण कर लीजिए, तो वो कुछ समय पश्चात किसी ज्वेलर की दुकान पर जाते हैं, वहां से रूबी की एक अंगूठी यानी माणिक्य की एक अंगूठी खरीदते हैं अपनी साइज की या बनवाते हैं और उसे वापस या तो स्वयं पहन लेते हैं रविवार के दिन या फिर भगवान से या मंदिर में किसी पंडित जी को जाके कहते हैं पंडित जी इस अंगूठी को आप जरा सिद्ध कर दीजिए। हजारों में से शायद 5-7 ज्ञानी पुरुष ही ऐसे होंगे जो इन रत्नों की अंगूठियों को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करने के लिए निरंतर साधना करते हैं। वह व्यक्ति जो मंत्रों की निरंतर साधना करता रहता है, निरंतर मंत्रों का जप करता है नित्य प्रति और एक विशेष संख्या में जप करने के पश्चात जब वह उस अंगूठी को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित करता है तो उन मंत्रों की शक्ति से वह अंगूठी में पड़ा हुआ रतन जागृत होता है और जागकर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा प्रदान करता है। कोई भी जो अंगूठी होती है उसकी अधिकतम जो लाइफ है रतन की, चाहे आपने हीरा पहना हो करोड़ का, चाहे अमेरिकन डायमंड पहना हो 2000 का,
उसकी जो मैक्सिमम लाइफ है हीरे के लिए 3 साल है, और सेमी प्रीशियस होने की वजह से जितनी भी सेमी प्रीशियस रिंग है अमेरिकन डायमंड की, सुनेला की, या अन्य कोई जो सेमी प्रीशियस रिंग है, उसकी लाइफ केवल 1 वर्ष होती है। हाँ, मोती के केस में, पर्ल के केस में, पर्ल की जो लाइफ है वो 2 साल होती है मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद। तो हम चर्चा कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की जो अंगूठी तो सुनार की दुकान से ले लेता है और उसके बाद वो जाता है मंदिर में पंडित जी के पास, क्योंकि पंडित जी ने साधना नहीं कर रखी तो वो बस भगवान जी के आगे जाके उस अंगूठी को रख देंगे, थोड़ा सा 1-2 मंत्र पढ़ेंगे, उनके चरणों में रख के हाथ घुमा देंगे, धूप बत्ती के आगे लगा देंगे और 1 मिनट बाद कहेंगे ये लो जी मंत्र सिद्ध हो गए, आप इसे धारण करो। ऐसी भी किसी अंगूठी से आपको कोई फायदा प्राप्त होने वाला नहीं है, यह आप निश्चित जान लीजिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि मोती की अंगूठी को कैसे मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत किया जा सकता है। तो प्रिय भक्तगण, इसके लिए चंद्र देवता का जपनीय बीज मंत्र अगर आप अपने लिए या एक अंगूठी के लिए आप उसे जागृत करना चाहते हैं तो आप उस अंगूठी के ऊपर 1.25 लाख मंत्रों का जो जपनीय मंत्र है उनका जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्राम श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जप करने के पश्चात, 1.25 लाख की संख्या संभव है आप एक बार में पूरी करें, नहीं संभव है तो आप 11 माला रोज के हिसाब से करके उस संख्या को पूर्ण करें। उसके पश्चात किसी विद्वान व्यक्ति योग्य ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ कराकर चंद्र देवता के लिए आप अपनी अंगूठी को धारण करें। ऐसी अंगूठी को धारण करने से निश्चित रूप से आपको निरंतर शुभ फलों की प्राप्ति होती रहे, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। लेकिन अगर यही मंत्र, यही अंगूठियां आप बारंबार लोगों के लिए एक ब्राह्मण होकर, एक विद्वान पुरुष होकर, एक एस्ट्रोलॉजर होकर या परिवार के सदस्य होकर विभिन्न लोगों के लिए आप बार बार जागृत करना चाहते हैं, बार बार विभिन्न लोगों की अंगूठियों को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करना चाहते हैं तो आप कम से कम 1.25 लाख अन्यथा 11 लाख मंत्रों का 11 माला डेली के हिसाब से या 21 माला डेली के हिसाब से चंद्र देवता के जपनीय बीज मंत्रों का विधि विधान के साथ जाप करें। उनके एक आदमकद पोस्टर के सामने या उनकी मूर्ति के सामने बैठकर धूप दीप जलाकर एक संकल्प करें भगवान विष्णु के श्री चरणों में कि मैं इस प्रायोजन से, इस साधना के लिए चंद्र देवता के जपनीय बीज मंत्रों का जाप कर रहा हूं, मुझे वो शक्ति प्रदान करें इन जाप के साथ कि आने वाले समय में मैं लोगों के द्वारा पहनी जाने वाली मोती की अंगूठियों को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कर सकूं। जब यह जप का विधि विधान जिसमें आपने चंद्र देवता के श्री चरणों में बैठकर उनके फ्रेम किए हुए फोटो या मूर्ति के समक्ष बैठकर जब यह जप संख्या धूप दीप जलाकर संपूर्ण हो जाए, जिस दिन संपूर्ण हो जाए तो उसके बाद शुभ मुहूर्त देख के एक हवन करिए, यज्ञ करिए या यज्ञ करवाएं। और उसके पश्चात भी नित्य प्रति कम से कम 1 माला इस जपनीय मंत्र की आप आजीवन करते रहेंगे। मोती की अंगूठी ही नहीं, अगर चंद्र देवता की होने वाली पीड़ा में अगर आप जमीन से मट्टी उठाकर भी
किसी व्यक्ति के माथे पर उसे जपनीय मंत्र की 21 मंत्रों को जाप कर लगाएंगे तो आप समझ लीजिए उस व्यक्ति का अवश्य कल्याण होगा, यह मैं आपको वचन देता हूं। क्या अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? क्या आपको योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा? क्या आप अपने प्यार को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपनी लवर से शादी करना चाहते हैं? क्या आपका रिश्ता होकर के टूट जाता है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आपकी साधना की शक्ति से, आपकी एकाग्रता से, जिस एकाग्रता के साथ, जिस कंसंट्रेशन के साथ, जिस विधि विधान के साथ आप चंद्र देवता का जप किया है, वह निश्चित ही आपके शरीर में जागृत होगा और उस जागृत होने के पश्चात आप जिस चीज पर भी उस मंत्र का प्रयोग करेंगे वह जागृत होकर सामने वाले को निश्चित रूप से फल प्रदान करने वाला बना देगी। लेकिन ध्यान रहे, ये अखंड साधना है। इस साधना के अंतर्गत आपको किसी भी दिन मंत्रों का जाप छोड़ना नहीं है, एक बार निरंतर आपने जाप करना है। देखिए, आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानगी होगी, जब हम जैसे लोगों के पास एक ऐसे टीवी चैनल जैसे आज तक टीवी चैनल या दिशा टीवी चैनल या अन्य कोई जाना पहचाना देश के टीवी चैनल से या नेटवर्क 18 इंडिया जैसे टीवी चैनल के लोग हमारे पास आकर हमसे पूछते हैं कि आप हमारी समस्याओं के लिए कोई उपाय बताएं, अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं, तो हमें बड़ी हैरानगी होती है कि भाई आपके टेलीविजन चैनल पर तो हर आधे एक घंटे में या दो घंटे में कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर आता है या नित्यपति कम से कम एक दो चार एस्ट्रोलॉजर तो आते हैं जो आप जनता की समस्या को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो आपको इतनी दूर से हमारे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि आपके चैनल पर इतने सारे लोग स्वयं उपलब्ध हैं, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर जाने माने विद्वान ज्ञानी लोग आपके ऑफिस में उपलब्ध हैं, तो आप उनसे अपनी सलाह कर सकते थे। आप हमारे पास आके हमें फीस दे के हमसे क्यों जानना चाहते हैं? तो इनमें से ज्यादातर लोगों का जो जवाब होता है, गुरु जी मत पूछिए उनके बारे में, बस सब ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है, उनको कुछ नहीं आता। तो हमें हैरानगी होती है कि इतने बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इतने दावे करने वाले ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं जनता के साथ? क्यों हमारे हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म का शोषण कर रहे हैं? जबकि उनको चाहिए, वो उनका अपना धर्म है, अपने धर्म का तो भाइयों कम से कम पोषण करो, क्यों शोषण करते हो चंद रुपयों के खातिर, चंद नोटों के खातिर? अगर आप साधना नहीं जानते हैं, आप केवल ज्ञान रखते हैं, तो हमें बता दीजिए, आप पन्ने की अंगूठी पहन लीजिए, कहीं किसी ज्ञानी गुरु से मंत्र सिद्ध करवाइए। आप खुद क्यों करते हैं उसे जिस चीज के लिए आप साधना नहीं करते हैं, जिस चीज के लिए आप मंत्रों को जागृत नहीं रखते हैं, उसकी साधना आप कैसे कर सकते हैं? उस अंगूठी को जागृत आप कहां कर पाएंगे? होगी ही नहीं। ये तो वर्षों की साधना है, सालों सालों की साधना के बाद ये मंत्र आपके शरीर में जागृत होते हैं। इसके लिए एकाग्रता की जरूरत है, दृढ़ विश्वास की जरूरत है, स्वयं भगवान आपके मन मस्तिष्क में उपस्थित होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और आपको सूचना देते हैं कि अब आप के अंदर शक्ति आ गई है, आप किसी भी मंदिर का जागृत कर सकते हैं, उस ग्रह देवता के रतन की जिसके लिए आपने मंत्रों की साधना की। तो प्रिय भक्तगणों, ध्यान रहे कि मंत्रों से बिना सिद्ध की हुई
जिन अंगूठियों को मंत्रों से सिद्ध नहीं किया गया है, वह अंगूठियां, वह रतन आपको किसी भी प्रकार का फायदा देने में समर्थ नहीं है। तो जब भी आप रत्नों की अंगूठियों को पहने, उन्हें मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाकर पहने, असली रत्नों की जो लाइफ है, मोती को छोड़कर सभी रत्नों की जो असली जैम रतन है उनकी लाइफ 3 साल है, सेमी प्रीशियस जितने भी जैम रतन है उनकी लाइफ 1 साल है, मोती की जो जैम लाइफ है वो 2 साल है, इनके अंदर जो मंत्रों की साधना के द्वारा जो शक्ति प्रदान करते हैं वो इतने ही समय तक जागृत रहती है, उसके पश्चात वो लगभग समाप्त हो जाती है, उसके बाद आपको नई मुद्रिका, नया रतन की नई अंगूठी बनवाकर धारण करनी चाहिए, क्योंकि वो अंगूठी न दोबारा चार्ज हो सकती है। जो लोग कहते हैं कि लाइए हम इस अंगूठी को दोबारा चार्ज कर देते हैं, हम दोबारा मंत्र सिद्ध कर देते हैं, वो भी धोखा दे रहे हैं। अब आप स्वयं निश्चित करिए कि अगर आप एक भगवान जी को 4 केलों का भोग लगाते हैं, मान लीजिए आप भगवान शनिदेव को 4 केलों का भोग लगा रहे हैं, आपने 4 केले उठा के भगवान शनिदेव के शिव चरणों में रख दिए, तो अब उसके पश्चात क्या वही 4 केले उठा के भगवान विष्णु के आगे रखेंगे, या सूर्य भगवान के आगे रखेंगे, क्या मंगल देवता के आगे रखेंगे, या हनुमान जी के आगे रखेंगे? वो तो झूठे हो गए। अगर भगवान शनिदेव के आगे रख दिए तो वह बात खत्म। अब तो अगर दूसरे किसी भगवान को भोग लगाना है तो आपको नए केले ही लाने पड़ेंगे। और इसी प्रकार जब वो केलों का भोग एक बार लग गया तो क्या उसी प्रसाद को हम दोबारा फिर उन्हीं भगवान को लगा सकते हैं? नहीं। तो फिर आप उस मुद्रिका पर, उस अंग रत्नों की उस अंगूठी पर दोबारा मंत्र जाप कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे विद्वान पुरुष, बहुत सारे मंदिर में बैठने वाले लोग दावा करते हैं कि हम इस अंगूठी को दोबारा चार्ज कर देंगे उसके नाम पर। वो बहुत ज्यादा नहीं देते, आप लोग 100, 50, 200 उनकी क्षमता को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर, उनके ज्ञान को देखकर आप इतने रुपए दे देते हैं और अपने विश्वास को खंडित करके चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अंगूठी दोबारा रिचार्ज नहीं होती एक बार के बाद, नई अंगूठी बनवाकर ही धारण करनी चाहिए अगर आपको उस ग्रह से फल लेने, वरना वो अंगूठी आपके किसी काम की नहीं है, केवल उसका सोना निकाल सकते हैं, क्योंकि उस रतन के अंदर जितनी भी पावर थी वह आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, शोषित कर लेती है, उसके पश्चात वो खाली कैप्सूल रह जाता है जिससे किसी का फायदा होना नहीं, संभव नहीं। रहने को वो रूबी ही रहेगा आजीवन, उसे उसको दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता रूबी के अलावा, रहेगा तो रूबी, लेकिन वो मंत्र साधना दोबारा नहीं की जा सकती उसके ऊपर। अगर आपने एक बार किसी अंगूठी को 2 घंटे भी पहन लिया तो उसके पश्चात ये अंगूठी झूठी हो गई आपके द्वारा, इस अंगूठी पर मंत्र साधना नहीं की जा सकती। आप अपने खाए हुए भोजन को क्या भगवान को भोग लगा सकते हैं? जो आप अपनी पहनी हुई किसी चीज को दोबारा भगवान के चरणों में रखकर उन पर मंत्र पढ़वाना चाहते हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। और जो ऐसा कहता है वह धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, लोग आप लोगों को धोखा देता है। ऐसे सभी ढोंगी और पाखंडियों का मैं बहिष्कार करता हूं, निंदा करता हूं, जो चंद रुपयों की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर धर्म का शोषण करते हैं, आपको धर्म के विरुद्ध कार्य करने को कहते हैं, यह कतई संभव नहीं। अगर आप में से किसी सज्जन को कभी भी कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर जो हमारे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर, या हमारी ईमेल एड्रेस जो आ रहा है उस पर हमसे संपर्क करके, या जो हमारा वेबसाइट आ रही है उस वेबसाइट पर जाकर हमसे वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल के द्वारा हमसे कंसल्टेशन कर सकता है, किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकता है, अपनी जन्म कुंडली चेक करा सकता है, और जरूरत पड़ने पर मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठा और जागृत की हुई अंगूठियों को अपने लिए विशेष रूप से तैयार करवा सकता है। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, बस हमारी वेबसाइट जो नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं उस पर कॉल करके या तो मिलने का समय ले सकते हैं, या ईमेल या फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से, जिसके लिए आपने छोटी सी फीस भी देनी है,
यहां पर कोई मुफ्त सेवा नहीं है। अगर कोई मुफ्त में हमसे कोई सेवा लेना चाहता है तो उसके लिए हमारा जनता दरबार हर शनिवार को शाम को 3 से 5 बजे तक खुला हुआ है। वो स्वयं आकर उस जनता दरबार में हमसे निशुल्क रूप से उस समय के दौरान कोई भी सेवा ले सकता है। जय शनिदेव। क्या आप परेशान हैं? तो आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा मंत्र सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित जेम रिंग्स, रत्नों की अंगूठियां, ब्रेसलेट या लॉकेट अवश्य पहने। संपर्क करने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर या हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर डिस्कस कर सकते हैं।